जिंदगी का खिलवाड़ करने जा रहे हैं एक आजाद दमाद भर के व्यक्ति हैं, जिनकी 19 केसेस की प्राइवेट पार्टनर की एजेंसी है। कांदीवली के शिवाजी संकुल में जहाँ पे 53 बिल्डिंग वर्ल्ड महाराष्ट्र वहाँ पे 53 बिल्डिंग का एक वो है, उसके बाद उसके आजू बाजू बहुत सारी बिल्डिंगे हैं, मतलब 70 से 80 बिल्डिंगे वहाँ पे है, लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ पे उनकी 15 से 20 ट्रक बाटले से भरी हुई है, गैस से बाटला भरा हुआ खड़ा होता है, जिससे कभी भी अगर मैं प्रसंग का ध्यान वहाँ पर आकर रहता हूँ कि जिससे कभी भी वहाँ पे दुर्घटना होती है, अगर कभी वहाँ दुर्घटना हुई तो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज में इसका नुकसान होगा और हजारों की संख्या में जाने जाएंगी और जो माल का जो पैसे का नुकसान होगा, जो जमीन का नुकसान होगा, जो घर का नुकसान होगा, वो तो बहुत उसकी कीमत बदल होगी, लेकिन कम से कम हजारों की संख्या में जाने जाएंगी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही मीरा रोड में एक ट्रक से एक गैस सिलेंडर फटा था और 12 लोग मरे थे, तो यहाँ पे तो 15 हैं और एक गैस एक ट्रक में कम से कम 250 से 300 सिलेंडर आते हैं, मतलब 15 ट्रक मतलब 5000 से ऊपर उनके बाटल भरे हुए, गैस के बाटले भरे हुए वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो आपने इस चीज़ की शिकायत कहाँ कहाँ की और अभी तक क्या रिप्लाई है उसका? मैंने इस चीज़ की शिकायत फायर को किया है, मैंने इस चीज़ की शिकायत MMRDA को किया, क्योंकि उससे लगा हुआ प्लॉट MMRDA का है, अगर कभी वहाँ पे आग लगती है विस्फोट होता है तो MMRDA का भी नुकसान होगा, जिससे हम उस काम में ढिलाई होगी डिनाई होगी और जनता के लिए जो MMRDA काम कर रही है उसमें भी रुकावट आएगी। शिकायत देने के बाद अभी तक MMRDA पुलिस और एजेंसी से किस तरह का रिप्लाई आया और कार्रवाई क्या हुई? अभी तक उसके ऊपर मुझे लगता है कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका कोई गोडाउन वहाँ पे नहीं। तो आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? रूप से रोड पे गाड़ियां ट्रक खड़ी करता है और वहां से ही डिलीवरी कराता है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं प्रशासन से ही मांग करना चाहता हूँ कि प्रशासन का ध्यान मैं आग्रह करता हूँ इस PC के माध्यम से कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लोगों के जान माल से जो खेलने का काम कर रहा है उसे बंद किया जाए। तो ये कितने समय से आप देख रहे हैं कि इस तरह से वो ट्रक गैस से भरी हुई ट्रक है जो वहाँ उस जगह पर खड़ी होती है? वहाँ के सोसाइटी के लोगों का कहना है कि 4-5 साल से ट्रक वहाँ पे खड़ी करता है, छोटे मोटे वादा हो चुके हैं जिसने वो सेटलमेंट कर लिया है, लेकिन अब सोसाइटी के लोगों ने भी वहाँ पे अग्रेसिवली रूप लिया हुआ है। कुछ लोग मेरे पास भी आए थे, बोले ये बड़ी समस्या है, उनके उन लोगों ने वीडियो भी मुझे दिए, फोटो भी भेजे हैं कि यहाँ ये बड़ी समस्या है। केतन नाम के एक जागरूक व्यक्ति ने पुलिस कमिश्नर को भी फोन 2 तारीख को उन्होंने ये लेटर दिया हुआ है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने भी लेटर दिया है, फायर को दिया है, डिप्टी चीफ फायर को दिया, MMRDA को दिया मैंने लेटर, मैंने पुलिस कमिश्नर को भी लेटर दिया, बहुत सारे जगह मैंने लेटर दिए हैं जिसका अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए मैं प्रशासन के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी प्रशासन से सिर्फ मांग है, मेरी पुलिस प्रशासन से और मुंबई महानगर पालिका और फायर के अधिकारियों से यही मांग है कि उसके ऊपर कार्रवाई करके सख्त सजा दी जाए और वहां से वो जो चला रहा है वहां पे जो लोगों की जान से खेल रहा है उसे वहां से हटाने का निजात दिलाए और लोगों को निजात दिलाए, उससे उस मौत से निजात दिलाए। क्या पुलिस प्रशासन इस चीज का वेट करती है कि जब घटना होगी तभी वो घटना स्थल पर पहुंचेंगे? क्योंकि जब घटना होती है तो सब लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आप जब वो अवगत कराया जा रहा है तो अभी तक उस पर एक्शन नहीं ले रहे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा ये कहना है कि पुलिस को जानकारी हो भी सकती है, अगर पुलिस को जानकारी है, अगर केतन भाई ने 2 तारीख को लेटर दिया हुआ है तो पुलिस को जानकारी ऑब्वियस हो गई होगी, तो पुलिस ने उस पर एक्शन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन अभी सही में वेट कर रही है कि वहाँ पर घटना होगी तो हम करेंगे, लेकिन मेरा उनसे विनंती है कि घटना घटने से पहले उस पर कार्रवाई करके लोगों की जान को बख्श दिया जाए। जो व्यक्ति का आप नाम बता रहे हो, वो व्यक्ति का उसमें क्या कुछ है, वो किस तरह से उसमें जुड़े हुए हैं, किस तरह काम कर रहे हैं? उसका एक छोटा भाई है साजिद जमाल से, उसके नाम से उसने एजेंसी ली हुई है और इसको चलाने का पूरा काम आधा जमाल से करता है, पूरा उसका हैंड ओवर ही करता है। तो मेरा उस व्यक्ति पे ये आरोप है कि वो व्यक्ति जो है पब्लिक प्रॉपर्टी पे जैसे रोड पे लोगों को ट्रैफिक भी होती होगी, वो तो एक समस्या छोटी समस्या है, लेकिन लोगों के जान से वो खेल रहा है, उसके समझो कि वहां पे दिन रात एक बम फिट करके रखा हुआ, समझो वो 5000 गैस के बॉटले भरे हुए, मतलब एक बम की तरह काम करता है वो, 1.5 से 2 किलोमीटर एरिया के रेंज को कवर करेगा, जब वो फटेगा तो उससे बहुत सारा नुकसान होगा और बहुत सारी जाने जाएंगी, मतलब हम एक तरह से मौत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
मालूम होगा, भारत पेट्रोलियम ने उसको एक लाइसेंस दिया है, और सेकंड बात तो ये भी है, वो भारत पेट्रोलियम का लाइसेंस देने के बाद भी वो अनलीगल तरीके से HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पार्टनर भी बेचता है, मतलब अनलीगल तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो कालाबाजारी कर रहा है और गलत धंधे कर रहा है, वो सिर्फ अपने चंद फायदों के लिए लोगों की जान से खेल रहा है।